हमारी इंडियन किचन में इतनी सारी स्पाइसेस होती है कि अगर हम उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं करें तो कुकिंग के टाइम पर बहुत हैसल हो सकता है एंड हमें कोई भी चीज टाइम पर या जगह पर नहीं मिलेगी एंड जिसकी वजह से हमारी कुकिंग डिले हो सकती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम ब्लॉग्स एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पाइसेस ऑर्गेनाइजिंग वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने पहले स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। यहाँ पर मैंने ये स्टेप्स यूज किया था डिफरेंट स्पाइसेस ऑर्गेनाइज करने के लिए, बट ये सिर्फ 15 to 20 कंटेनर्स है जिसमें स्पाइसेस है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ बेकिंग एसेंशियल्स रखे थे एंड ये जो बास्केट है ये आपको मैं शो करती हूँ। यहाँ पर वो सारे अदर स्पाइसेस है जिनके लिए कोई कंटेनर नहीं है एंड उनको मैंने इस तरीके से पाउचेस में डालकर रखा हुआ है सो दैट जब भी मुझे चाहिए मैं यूज कर सकूं। ये जो सिचुएशन है इसमें बहुत हैसल हो रहा था एंड समहाउ ये वर्क नहीं कर रहा था। ऑल्सो बिकॉज ये ग्लास कंटेनर्स थे तो मुझे पीछे से निकालने में ये लगता था कि कहीं आगे की कोई चीज गिर ना जाए एंड ये ग्लास जार्स फूट ना जाए। आई सजेस्ट कि जितने भी आपकी स्पाइसेस है, चाहे वो डेली यूज के मसाले हो, चाहे ये खड़े मसाले एंड डिफरेंट स्पाइसेस हो, इनको आप पास में ही रखें क्योंकि जब कुकिंग करते हैं तो इधर उधर जाके स्पाइसेस ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। एंड चलिए अब इसको और ज्यादा फंक्शनल बना लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मसालादानी की। मसालादानी हमारे सबके किचन में होता है एंड एक अच्छी मसालादानी काफ़ी फंक्शनल प्रूफ होती है हर बार कुकिंग करने के टाइम। ये मैंने जेपी प्लस की ली है एंड एज यू कैन सी इसके सेक्शंस काफ़ी बड़े बड़े हैं तो इनमें काफ़ी सारा मसाला आ जाता है एंड इसकी वजह से मुझे बार बार इनको रीफिल नहीं करना पड़ता। यू कैन सी बीच में सिर्फ एक छोटा राउंड खन है, इसके अलावा सारे खन काफ़ी बड़े बड़े हैं। इस मसाला दाने में मैंने प्लेस किए हैं डेली एसेंशियल्स लाइक नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची, जीरा, राई। आजकल मैं दो तरीके के नमक यूज कर रही हूँ तो यहाँ पर है सेंधा नमक, यहाँ पर जीरा एंड ये छोटी सी हींग की डब्बी भी मैंने इसमें ही रख दी है। ऑल्सो इसको मैंने प्लेस किया है गैस से थोड़ा सा दूर। ये जो कॉर्नर शेल्फ है यहाँ पर मैं इस मसाला दाने को प्लेस कर देती हूँ। काफ़ी सारे मसाले एंड स्पाइसेस ख़त्म हो रहे थे तो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली है एंड चलिए अब इनको फटाफट रीफिल कर लेते हैं। यहाँ इस तरीके के डब्बे मैंने यूज़ किए हैं एक्स्ट्रा मसाले प्लेस करने के लिए जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं मसालादानी के अलावा। यहाँ इस बॉक्स में मैं फिल कर रही हूँ तेज पत्ता एंड इसमें मैंने फिल किए है लाल मिर्च। इसके अलावा जितने भी खड़े मसाले हैं वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी एंड ऑल्सो बाकी सारे मसाले मैं प्लेस कर रही हूँ लाइक धनिया, हल्दी, लाल मिर्च एक्सेट्रा। ये जो इस तरीके की लिड है ये काफ़ी अच्छी रहती है मसाला पोर करने के लिए। कुछ बड़ा आइटम इसमें नहीं निकल सकता है बट मसालों के लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट है। डेली यूज में यूज होने वाले मसालों के अलावा मैंने काउंट किया कि कितने मसाले ऐसे हैं जो इन जार्स में स्टोर हो सकते हैं एंड मैंने आइडेंटिकल जार्स ऑर्डर करे हैं। तो चलिए फटाफट इन जार्स को निकाल लेते हैं। अब हम ये जो अनआइडेंटिकल जार्स हैं इनका सामान इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। सारे अनआइडेंटिकल जार्स एंड बहुत सारे पाउचेस को रिमूव करने के बाद ये हो गई है हमारी 30 बॉटल्स रेडी। जो आपकी स्पून की जाली होती है वो परफेक्ट होती है इस काइंड ऑफ जार्स को प्लेस करने के लिए बट क्योंकि हम स्पून रख देते हैं तो हम इन चीजों को प्लेस नहीं कर पाते हैं।
इसलिए स्पून के लिए आप डिफरेंट स्पून रेल खरीद सकते हैं एंड उसको काउंटर टॉप पे लगाकर इनको इन जार्स के लिए यूज कर सकते हो। ये बहुत हैंडी हो जाता है क्योंकि जस्ट स्लैब के पास है एंड सारे मसाले बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहले मैं इनके सबके नाम लिख लूंगी एंड देन इनको पेस्ट कर दूंगी। इन स्टिकर्स को थोड़ा ऊपर की तरफ लगाए ताकि क्वांटिटी का भी आइडिया लग सके। Now this is the final look, guys. If you can see, यहाँ पर मैंने सारे खड़े मसाले स्टोर करे हैं। यहाँ पर है सारे मसाले, सांबर मसाला, पाव भाजी मसाला, आमचूर, जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला एक्सेट्रा। यहाँ पर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कुछ खड़े मसाले जो इस लाइन में नहीं आए वो यहाँ रख दिए, मेथी, राई। यहाँ पर मैंने तिल रखे हैं। ऑल्सो यहाँ पर है सेंधा नमक, काला नमक एंड यहाँ पर स्पेशल सब्जियों के लिए लाइक कस्तूरी मेथी, ब्रोकन काजू, खसखस, ओरिगैनो, इस तरीके की सारी चीजें यहाँ पर 30 जार्स में स्टोर हो गई है। मैं आपको बता देती हूँ कि आप एक्सपायरी डेट कैसे मेंशन कर सकते हैं। लाइक ये सांबर मसाला है, इसके डब्बे में लिखा है कि इसकी एक्सपायरी डेट है 0/2/22, यानी कि अभी काफी टाइम बाकी है। एंड जब हमको ये मसाला चेंज करना है तो हम इसको इजिली वाइप कर सकते हैं किसी भी डिटर्जेंट की हेल्प से। एंड मैंने लिखा है स्केच पेन से, जो इजिली सबके पास अवेलेबल होता है। ना ये तो है वो मसाले जो हमें थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए एंड लेस फ्रीक्वेंटली चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेन मसाले हैं वो मैं किस तरीके से स्टोर करती हूँ। That is it about this video, guys. एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी इस वीडियो के लिए कि जार्स में जरूर इन्वेस्ट करें क्योंकि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पाउचेस में चीजें रखते हो तो एवरी टाइम जब आप करते हो बहुत हैसल में रहते हो। हर चीज के लिए जब एक डेजिग्नेटेड जगह होती है तो वो कभी भी मेस नहीं होती। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।